देवकानंदा सविस्तर शेतकऱ्यांविषयी शेतकऱ्यांच्या सगळ्या समस्या किंवा शेतकरी बिलाविषयी माहिती दिवपाक आयिल्ले आसा त्या देवकानंदा तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता। सबका बहुत बहुत स्वागत। ये मैं एक नया हमने मैगजीन शुरू किया है 15 दिन का फॉर्टनाइटली न्यू इंडिया समाचार भारत सरकार का है। आप भी सभी लोग आपके एड्रेस दे दे आपको हर 15 दिन में मिलता जाएगा। मैं एक कॉपी डिप्टी सीएम कवरेकर जी को देता हूँ। शुरू करते हैं। संसद में जो 3 कानून पास हुए हैं कृषि सुधार के, उससे खेती का भाग्य बदलने वाला है। खेती की मूलभूत समस्याएं जो थी उस पर उपाय होने वाला है। किसान का दर्द इतना ही था कि हर चीज की कीमत उत्पादक तय करता है, लेकिन कृषि उत्पाद की कीमत किसान तय नहीं कर सकता, बाजार तय करता है। तो ये पहली दफा इन बिलों से अधिकार मिलता है कि आप एपीएमसी में बेचें या बाहर बेचें, ये किसान का चॉइस होगा, या अनुबंध करें जिससे भी आपको अधिक पैसा मिलेगा, वो कीमत तय करने का अधिकार अब किसान का मिला है। ये सबसे बड़ा फायदा इन कानूनों का है। ये एक देश एक बाजार तैयार करने की ये रणनीति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो बड़ी देश के लिए सोच है, जीएसटी के रूप में एक देश एक टैक्स हो गया, इन कृषि सुधार के कानूनों से एक देश एक बाजार हो जाएगा। राष्ट्रीय परीक्षा नेशनल टेस्टिंग एक करके एक देश एक परीक्षा ये किया और एक देश एक राशन कार्ड की भी घोषणा की है। तो ये मोदी सरकार की दृष्टि है। दूसरा कानून है अनुबंध से खेती करना। अनुबंध से खेती अपनी तरीके से होगा। अनुबंध खेती की सबसे बड़ी विशेषता है कि जमीन की मालकी कभी भी दूसरे के पास नहीं जाएगी, वो किसान के ही पास रहेगी। केवल जो फसल आता है उसके बारे में अनुबंध होगा। किसान के फसल का अनुबंध होगा और वो अच्छी कीमत पर दाम ये माल बेच सकता है। इससे क्या फायदे होंगे? पहला फायदा होगा कि नया तकनीक आएगा, नया निवेश आएगा, नए बीज आएंगे, उत्पादकता बढ़ेगी। भारत में खेती की उत्पादकता दुनिया से आधी है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट होता है वहां से वो एक तिहाई है। वो उत्पादकता बढ़ाना बहुत जरूरी है। वो तभी बढ़ेगी जब तकनीक आएगा, जब नए बीज आएंगे और जब नया निवेश आएगा। वो निवेश इस कानून से होगा। और तीसरा कानून जो किया है इस सुधार में वो है अत्यावश्यक सुधार कानून। अत्यावश्यक कानून में सुधार किया है। ये कैसा न्याय था? जब वस्तु की भरमार होगी बाजार में किसान को दाम कम मिलेगा, और जब किल्लत होगी तो किसान से पहले लेवी वसूल करते थे, कम कीमत में लेते थे। अब भी एक तरीके से
प्याज हो या कुछ भी हो, वो जब निर्यात से अच्छा पैसा मिल रहा है उसको रोक लगाते थे। अब केवल असाधारण परिस्थिति में रोक लगाई जाएगी या नहीं, नहीं तो लगाई जाएगी। भंडारण की सीमा को निर्धारण नहीं किया जाएगा, भंडारण कर सकते, तो इससे दाम बढ़ेगा, किसान को दाम ज्यादा मिलने का। ये तीनों सुधारों का मूल मुद्दा है, किसान को अपनी मर्जी से दाम तय करने का अधिकार, और इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सुधार है। उन सुधारों की सबने प्रशंसा की, देश भर में स्वागत किया, किसानों ने इस बिल का स्वागत किया। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी दल है, कल यहां भी कुछ लोग आए थे विरोध करने। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि भाई आपका घोषणा पत्र देखो, 2014 का घोषणा पत्र, 2019 के घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा था कि ये सुधार हम लाएंगे, अब मुकर गए। प्रधानमंत्री तब के मनमोहन जी के भाषण सुनो, उन्होंने भाषण में, अनेक भाषणों में इन सुधारों की, कृषि सुधारों की आवश्यकता बताई, सुधारों की जरूरत बताई और सुधारों के लिए पहल करने का आश्वासन दिया। लेकिन कांग्रेस ने अब यू टर्न लिया, ऐसे ही अनेक लोग हैं और वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। पहला भ्रम यह है कि एपीएमसी बंद हो जाएगी, एपीएमसी चल रही है। दूसरा कहा था सरकारी खरीद बंद हो जाएगी, चल शुरू हो गई है। पिछले 10 दिन से पंजाब, हरियाणा और बाकी जगह जहां खरीद होती थी वहां पैड़ी की खरीद शुरू हो गई। फिर कहा एमएसपी खत्म होगी, उल्टा एमएसपी बढ़ गई, 1868 रुपए पैड़ी को दे रहे हैं जो कांग्रेस के जमाने में 1300 रुपए थे, आज 1868 रुपए। और गोवा को मैं बधाई देना चाहता हूं, गोवा 2000 रुपए दे रही, 20 रुपए किलो चावल और पैड़ी ले रही है धान। तो एमएसपी भी रही, एपीएमसी भी रहा, खरीद भी जारी रही, ये केवल भ्रम फैला रहे थे। ये अब किसान को ये मालूम हुआ क्या मूल मुद्दा था, एक कि देश की 60% जनता जिस व्यवसाय में, कृषि में संलग्न है, उनका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, 10-15%, वो बढ़ाना, बढ़ना चाहिए। ये बढ़ेगा कब? बढ़ेगा जब नया निवेश आएगा। बढ़ेगा कब? जब नया तकनीक आएगा। बढ़ेगा कब? जब नए बीज, नए खाद, नए स्वरूप से खेती बनेगी, तब उत्पादकता बढ़ेगी। उत्पादकता बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो ज्यादा कीमत मिलेगी। और इसलिए ये उत्पादन बढ़ाने के लिए है। लेकिन बाकी भी कुछ विपक्षी दल है, उन्होंने किया तो कुछ नहीं, अब सुधारों को रोकना चाहते। राज्यसभा में ये बिल पास होते समय जिस तरह का बर्ताव विपक्षी दलों ने किया, उससे राज्यसभा और देश शर्मसार हो गया। उपसभापति पर कागज फेंके, किताबें फेंकी, उनको काम में बाधा लाने का प्रयास किया। सदन न चले इसके लिए प्रयास हो रहा था, लेकिन सदन चला और भारी बहुमत से बिल पास हो गए। मैं एक बताना चाहता हूं विपक्षियों को, जरा जाके आईने में देखो, गिरेबान में झांककर देखो, 2009-10 में आपका कृषि का बजट केवल 12,000 करोड़ था, आज कृषि का बजट 1,34,000 करोड़ हो गया है केंद्रीय। तो ये बढ़ोतरी है 10 गुने से ज्यादा।
लेकिन सब अच्छा होकर भी किसका नुकसान हुआ? नुकसान दलालों का हुआ, नुकसान दलालों का हुआ। आज खेती की सबसे किसान का दुर्भाग्य यह होता है कि उसको कम कीमत मिलती है, ग्राहक को ज्यादा कीमत देनी पड़ती है और बिचौलियों को ज्यादा मिलता है। बीच में जो उत्पादन नहीं करता उसे ज्यादा मिलता है उत्पादन करने वाले से। तो ये दलालों का नुकसान हो रहा है, इसलिए ये चिल्ला रहे हैं। मुझे कभी कभी लगता है विपक्षी दल दलालों के भी दलाल बन गए। तो ये मूल मुद्दा है। अंत में मैं एक बताऊंगा, केवल ये तीन कानून नहीं किए मोदी सरकार ने। मोदी सरकार ने पहले सॉइल हेल्थ कार्ड शुरू किया, हर एक की जमीन अलग है, उसमें कौन से न्यूट्रिएंट की कमी है, उसको कौन सा खाद चलेगा कौन सा नहीं चलेगा, कौन सा दवा चलेगी कौन सी नहीं चलेगी, ये बताने वाली एक तरह से जमीन की कुंडली ये सॉइल हेल्थ कार्ड के रूप में मिली। 20 करोड़ किसानों को, खेती को मिली है ये सॉइल हेल्थ कार्ड। फिर मोदी सरकार ने नीम कोटिंग शुरू किया, खाद को नीम कोटिंग करने से चोरी बची और कम खाद में ज्यादा फसल आना शुरू हो गया, जमीन का भी फायदा हुआ। फिर कांग्रेस के जमाने में 7 लाख करोड़ का ऋण मिलता था खेती के लिए, अब 15 लाख करोड़ हो गया है, 15 लाख करोड़ 4% पर। फिर फसल बीमा शुरू की कि किसान का अगर कहीं नुकसान हुआ तो उसको मुआवजा मिलेगा, और पिछले 5 साल में 77,000 करोड़ रुपए फसल बीमा से मुआवजा किसान को मिला है। पहले बैंक को मिलता था, अब किसान को मिलने लगा। सिंचाई योजना शुरू हुई, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, उससे सिंचाई बढ़ी। और सबसे एक महत्वपूर्ण निर्णय आया, सम्मान निधि, किसान सम्मान, हर साल 6,000 रुपए, अभी 10 करोड़ किसानों को मिल रहे हैं, बाकी भी किसान जैसे जुड़ जाएंगे उनको भी मिलेगा 6,000 रुपए साल में। अभी तक 1.5 साल में 90,000 करोड़ रुपए बांट दिए। कांग्रेस ने एक बार कर्ज माफी की थी 53,000 करोड़ की, मोदी सरकार ने अभी तक 90,000 करोड़ दिए है, सबको दिया है, समान दिया है। दस साल मिलेंगे, 7 लाख करोड़ रुपए इसकी कीमत होगी। कहां 53,000 करोड़ रुपए और कहां 7 लाख करोड़ रुपए। उसके साथ साथ डेयरी बढ़े, मधुमक्खी पालन बढ़े, हॉर्टिकल्चर बढ़े, फिशरीज बढ़े, इसके लिए भी प्रयास किए। ये सब पहला चरण है खेती सुधार का। दूसरा सुधार है ई मंडी। आपको पता नहीं होगा, 1,000 मंडियां जुड़ गई नेट से और 1 लाख करोड़ का कारोबार हुआ है ई मंडियों से। एमएसपी कॉस्ट प्लस 50% जो फॉर्मूला स्वामीनाथन ने दिया उसका अमल मोदी जी ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। एपीएमसी का सुधार, अनावश्यक बंधनों से मुक्ति, आवश्यक वस्तु नियमन में सुधारना और अनुबंध से खेती की परमिशन। अब 10,000 कृषि उत्पादक संघ, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन तैयार होंगे, उसको सरकार मदद करेगी, वो अपना माल कहीं भी बेच सकती है। तो ये किसान रेलवे शुरू हुई,
पूरी एयर कंडीशन गाड़ी रहती है, कोल्ड स्टोरेज मूविंग, यहां से वहां सामान ले जाते हैं कुछ उत्पाद और फ्रेश रहता है। तो ये जो सब सुधार है, ये दूसरे सुधार है जो मूलगामी है और बहुत देर तक परिणाम करेंगे। और इसलिए कृषक को न्याय देने के लिए, कृषक को, किसान को उसका अधिकार देने के लिए, और जो अपना प्रोडक्ट का कीमत तय नहीं कर सकता था, अब अपनी प्रोडक्ट की कीमत वो तय करेगा और उसी को बेचने की आजादी उसको मिली है, मुझे लगता है ये सुधार का मतलब है। इसका पूरे किसान वर्ग में स्वागत है और आगे भी दिखेगा। विपक्ष पस्त होंगे, इनकी कुछ नहीं चलेगी, क्योंकि झूठ की आयु बहुत छोटी होती है, सच्चाई की आयु लंबी होती है। सच्चाई हमारे साथ है, विपक्ष के साथ केवल झूठ है। और इसलिए यही अभी मुझे बताना था, आपके सवालों का जरूर जवाब दूंगा। पहले इसी विषय पर सवाल करेंगे। The floor is open for questions. You may please identify yourself. Yeah, please. I'm William from Prime TV. Please. Yesterday you had a meeting with the farmers. There were any objection by the farmers here in Goa? No. किसानों से यहाँ इसलिए नहीं कि गोवा ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसे मैंने कहा, देश में 1868 रुपए है, यहाँ 2000 रुपए दाम दिया है। यहाँ नारियल को इस साल 12 रुपए दिए है, काजू को 100 रुपए से बढ़ाकर 125 रुपए किया है, और उससे ज्यादा फल जो सब्जियां है, सब्जियां भी अच्छी कीमत में खरीदते हैं। तो गोवा सरकार पहले से अच्छा काम कर रही है, इसलिए गोवा के किसानों ने जो चर्चा में सुधार क्या करने हैं ये और बताइए, क्या जरूरत है और सब तक ये सेवा कैसे पहुंचे, इसके बारे में चर्चा। Sir, I'm Kenzel from Goa Reporter. Yeah, now, since you said there were no objection or nothing in yesterday's meeting, then what could be the reason for some of the farmers, yesterday who was there on the road showing black cards? I don't know whether they were farmers or not, but more importantly, Congress has declared a national program to oppose these bills. But they were not from the Congress party. NCP has declared the program to oppose the bills. So it's a political opposition, nothing real. Sir, I am Vilas from Gomantak. Ji, please. Aisa virodho ka manna hai ki wo support price hai, wo kisanon ko nahi milega agar ye bill aaye. Abhi pichle 10 din se Punjab mein dhan ki khareed shuru hui, Haryana mein shuru hui, Uttar Pradesh mein shuru hui. Wahan sab jagah kisanon ko 1868 rupaye jo paddy ka kimat hai wo mil rahi hai, aur उससे किसान खुश है। एपीएमसी भी चल रही है, एमएसपी भी मिल रही है और खरीद हो रही है, यानी तीनों चीजें चल रही है। तो ये जो झूठ का प्रचार किया, ये ढह गया, ये किला इनका खत्म हो गया, क्योंकि इसमें कोई दम नहीं था। और एक क्वेश्चन सर, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के आधार से वो जो माल खरीद लेंगे जो भी किसान से, इकट्ठा करके देयर बी नो एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट? पहले तो भंडार में तो उतना माल रखने को नहीं मिलता था, अभी रखेंगे, परमिशन है, भंडारण कर सकेंगे। उससे क्या होगा कि देखो, एक बड़ी सोच है कि अपना देश की मूल समस्या क्या है। देश की मूल समस्या है कि दुनिया में एक एकड़ में जितना पैदा होता है उसका आधा ही हमारे देश में पैदा होता है, ये मूल समस्या है, और इसलिए उत्पादकता कम है। वो बढ़ाएंगे तो अनाज बढ़ेगा, अनाज बढ़ेगा तो वो निर्यात भी होगा, और निर्यात करना है तो भंडारण करना पड़ता है, उसकी रक्षा करनी पड़ती है। सब देश में, देश को तो सफिशिएंट किसान दे ही रहा है। देखो, मैं स्कूल में जाता था तब 30 करोड़ आबादी थी, आज 138 करोड़ हो गई, तो भी किल्लत नहीं है। एक हमें सब मेरे प्राध्यापक ने समझाया था, मुझे बहुत अच्छा लगा, हर आदमी को रोज 500 ग्राम
खाना लगता है टोटल अनाज का और बाकी सारा उपयोग करते हैं 500 ग्राम, तो 500 ग्राम तो 15 किलो, 15 किलो तो साल के 180 किलो, दो बोरी उसको लगता है। तो आज 138 करोड़ है तो 280 करोड़ बोरी तैयार हो ही रही है। तो ये अपने देश की किसान का हम पर उपकार है कि वो पूरा देते हैं देश को, लेकिन विदेश में भी जाना चाहिए, इससे आय मिलनी चाहिए, इससे जीडीपी का हिस्सा बढ़ना चाहिए, किसान के घर में और अच्छी समृद्धि आनी चाहिए। अगर ये होना है तो उत्पादकता बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए नया टेक्निक, नया बीज, नया खाद, नई चीजें चाहिए, उसके लिए नया निवेश चाहिए, इसके लिए ये बिल की है। सर, अत्यावश्यक सेवा का कानून भी उसी लिए सुधार किया है कि फिर भंडारण की जरूरत पड़ती है, उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। सर, इफ एवरीथिंग इज फाइन एंड एवरीथिंग इज ओके, देन व्हाई वन ऑफ योर अलाय लाइक एनडीए अलाय मूव्ड आउट फ्रॉम योर थिंग्स? सी, इट इज अ पंजाब कॉन्टेक्स्ट। पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस ने विरोध किया और पंजाब की एक विशेष स्थिति है, वहां मंडियों में अनेक लोगों के हित है और इसलिए वो हमारे यहाँ ये समस्या नहीं है, लेकिन वहां है इसलिए वो लोकल पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट है, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे भी भ्रमणेश्वर शेतकरी संगठन है जिसने भी उस पे इस पे प्रोटेस्ट किया है कि हमें नहीं चाहिए। ऐसा है, भारत लोकतंत्र है, इसमें हर संगठन को आजादी है कि सपोर्ट करे या विरोध करे, लेकिन शरद जोशी ने कायम इसकी पैरवी की और बाकी भी नेता आज भी पैरवी कर रहे हैं, किसान संगठन भी इसके साथ है। आज देश भर में कहां आंदोलन चल रहा है? आंदोलन थोड़ा सा पंजाब में, क्योंकि वहां सरकार भी उनकी है, इसलिए है, बाकी सब जगह खत्म हो गया, कहीं नहीं है। और बाकी ऐसा छुटमुट काम करते हैं वो चलेगा क्योंकि लोकतंत्र है, लेकिन वास्तविकता में किसानों ने इसका स्वागत किया। मुझे बताओ कि एक बार की कर्ज माफी और 10 साल का हर साल 6,000 रुपए, 60,000 रुपए हर किसान को मिलेगा। कर्जा है नहीं है, कितना है ये नहीं देखा जाएगा। कर्ज माफी में क्या होता है, आपका 1,00,000 रुपए कर्जा है तो आपको 1,00,000 माफ होगा, नजदीक वाले का 10,000 है तो उसको 10,000 ही माफ होंगे, यहाँ सबको 60,000 रुपए मिलेंगे, तो ये फर्क है। सर, कम्युनिटी से सब थोड़ा चीज निकाला हुआ है, अनियन बटेटो, क्या ओनियन बटेटो? हाँ, नहीं नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, पहले भी नहीं थे। जो प्याज ऐसा है, ये सबका ज्यादा उत्पादन हो और निर्यात भी हो, ये भी एक उसका उद्देश्य है, और देश को भी जरूरत है जितनी मिले और देश के बाहर भी जाए, ज्यादा पैदा हो और हो, यही कल्पना है। बताइए शेख जी, बताइए क्या होता है कि जब उत्पादन ज्यादा होता है तो फिर उस उत्पादन को प्राइस मेंटेन करने के लिए जला दिया जाता है, जैसे गेहूं के हमने देखा और अनियन है, प्याज है, उसका भी उत्पादन ज्यादा होता है तो रास्ते पर खराब कर दिया जाता है। इसीलिए क्यों खराब होता था, अच्छा सवाल पूछा आपका, बहुत बधाई है। ये इसलिए होता था कि इस पर अनावश्यक बंधन थे, हम दुनिया में बेचने को जाएंगे तो मांग रहेगी और उत्पादन ज्यादा बढ़ेगा तो भी उसको मांग रहेगी, हमारे बंधनों में जो अटक गई थी, अनुबंध की खेती अलाउड नहीं थी, अनुबंध करेगा तो अनुबंध करने वाला कैसे बेचेगा ये तय करेगा, वो दुनिया में बेचेगा, वो बेचेगा तभी उसको मुनाफा होगा और तभी किसान को ज्यादा मिलेंगे। तो ये वही उसी लिए किसान को ज्यादा मिले, फेंकने की नौबत ना आए, इसीलिए ये कानून बनाए। और अपने और एक कहा कि जो स्टॉक रखेगा तो ब्लैक मार्केटिंग को प्रवेश मिलेगा? नहीं मिलता है, क्योंकि अब किल्लत नहीं है, अब बाजार में सभी सामान की इतनी मुबलक बहितायत है कि अभी कोई किल्लत नहीं, किल्लत होगी तब ब्लैक मार्केटिंग होगी ना। अब ब्लैक मार्केट कौन करेगा? 80 करोड़ लोगों को अगर हम 2 रुपए में गेहूं और 3 रुपए में चावल दे रहे हैं, गेहूं और चावल 2 और 3 रुपए में 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, फूड सिक्योरिटी इतनी है तो कौन कालाबाजारी करेगा उसकी? अभी देखो 10 रुपया 5 रुपया
प्याज बेच रहे थे गोवा में, गोवा में प्याज का उत्पादन नहीं है, आज 40-60 रुपया लोग दे रहे हैं। देखो एक हमें ये भी समझना पड़ेगा कि किसान को भी कीमत भी चाहिए और ग्राहक को भी सस्ता चाहिए, इसीलिए तो फूड सिक्योरिटी लाई है। 2-3 रुपए में जब सरकार चावल और गेहूं बेचती है, राशन में 80 करोड़ लोगों को देती है, हर व्यक्ति 5 किलो, तो ये जो देती है ये सब्सिडी के साथ होता है। किसान को हम 20 रुपए दे रहे हैं और 20 रुपए पर प्रक्रिया करके चावल बनाकर बेचने में कुल मिला के 30 रुपए खर्च होता है। 1 किलो चावल की कीमत सरकार को 30 रुपए पड़ती है, वो 3 रुपए में दे रही। 20 रुपए पड़ती है गेहूं की कीमत, वो 2 रुपए में दे रही है। तो ये जो काम कर रहे हैं इसके लिए एक व्यवस्था हमने तैयार की, तो गरीब को न्याय नहीं, अन्याय नहीं होगा, लेकिन किसान को भी तो न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो किसान को दाम ही नहीं मिलेंगे। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी बताइए। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी गिवन अ गो अहेड परमिशन टू कर्नाटका ऑन मादई प्रोजेक्ट, एंड इन द नेक्स्ट कमिंग दिस कैबिनेट दे आर गोइंग टू सैंक्शन एडिशनल बजट फॉर द मादई डाइवर्जन, सो इट विल गोइंग टू इम्पैक्ट अ मादई रिवर एंड स्पेशली टू गोवा। वन मिनट, इसका उत्तर मुख्यमंत्री देंगे क्योंकि मसला सारा कोर्ट में है, कुछ भी नहीं हो रहा है। सर, वन मोर थिंग, सर, दिस इज अभी इसका ओके, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस ये नहीं, ये मुख्यमंत्री सर, ओके, देयर इज अनदर इशू, वन मोर आई वुड लाइक टू आस्क, देयर इज अनदर इशू, देयर आर 3 projects व्हिच द लोकल्स आर अपोजिंग, लाइक द मॉले इशू which is on coal issue and all. If locals on environment and all, if locals don't want, then why this project, sir? If I receive the memorandums, I will definitely study it. Sir, regarding Madai, because you are talking about the farmer bills and most of the farmers... No, but that is what I am saying. One minute. I have told you first, the matter is sub judice, so I will not speak on this today. And second, there is nothing here pending. Third, क्योंकि हमारे पास आता ही नहीं, और चौथा मुद्दा मूल है कि इस पर मुख्यमंत्री विस्तार से आपको जवाब देंगे। आज एक मिनट, आज मैंने जानबूझकर देश भर में हम 50.5 मंत्री जा रहे और जाकर आज ये किसानों के लिए जीवन के बिना 30 करोड़ किसानों के 20 करोड़ किसानों का भाग्य बदलने वाले जो 3 कानून बनाए हैं उसी की जानकारी देने के लिए मैंने बोला था। सर, मादा इज लाइफलाइन ऑफ गोवा, सर, मादा इज लाइफलाइन ऑफ गोवा, सर, व्हाई द वाटर इज डाइवर्टेड व्हेन द स्ट्रीट इज इन द सुप्रीम कोर्ट। मैंने बताया, मुख्यमंत्री बताएंगे, मुख्यमंत्री बताएंगे क्योंकि उनके अधिकार में। सर, हां, मानने के लिए कल सेंटीमेंट लिखी सर, ईपी फिल्म फेस्टिवल, फिल्म फेस्टिवल सर, फिल्म फेस्टिवल के बारे में। फिल्म फेस्टिवल तो पोस्टपोन्ड हुआ है कुछ। हाँ, वो जनवरी में है, 16 जनवरी से 24 जनवरी। सर, 3 दिन का विजिट का बारे में, क्योंकि अभी तो 3 दिन से आया था ना, क्या क्या 3 दिन नहीं आया, 1 दिन तो आया, कुछ नहीं करता सभी थे। सर, 3 दिन की विजिट में एक भी मीटिंग मादई के ऊपर गवर्नमेंट के साथ सर, लेकिन मादा के बारे में कुछ तो पता है हमें। थैंक यू ऑल फॉर सीरियस मैटर फॉर अस सर, दिस कॉन्फ्रेंस इज डिस्पर्स्ड, सो इट्स अ सीरियस मैटर फॉर अस सर। छोटा माइक कैमरा ले।